बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ महनूर रेहान और आप देख रहे हैं महनूर स्पोर्ट कॉर्नर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल सूजी बर्फी। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो इस स्वीट को बनाने के लिए सबसे पहले फ्लेम ऑन करके पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। तो अब इसमें 1/2 कप सूजी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके 5 to 7 मिनट्स के लिए लाइट गोल्डन होने तक कुक करेंगे। इसे ओवर रोस्ट नहीं करना, इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। तो 5 to 7 मिनट्स के बाद सेमोलिना जो है वो रोस्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसमें बहुत ही केयरफुली हम ऐड करेंगे 1/2 लीटर दूध। तो दूध ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे फर्दर 5 to 7 मिनट्स के लिए स्टीम में पकने के लिए रख देंगे। तो दूसरी साइड पर हम नट्स रोस्ट कर लेते हैं। तो अब मैं पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ और किसी भी ऑयल ब्रश की हेल्प से आप इसे स्प्रेड कर लें। तो अब मैं इसमें 2 to 3 टेबल स्पून चॉप नट्स ऐड कर रही हूँ, आप जो लाइक करते हो आप इसमें ऐड कर लें। 4 to 5 मिनट्स रोस्ट करने के बाद देन हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड किशमिश और इसे 2 मिनट्स रोस्ट करने के बाद हमारी रोस्टिंग कम्प्लीट हो जाएगी। तो अब जो सूजी को हमने स्टीम में कुक होने के लिए रखा हुआ था उसे मैंने अनकवर कर दिया और ये आप देख सकते हैं सूजी बिल्कुल कुक हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, 3 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर और यह है कार्डमम एसेंस। इसके मैं 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड करूंगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप कार्डमम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मिक्स करने के बाद इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ रोस्टेड नट्स। तो इस पॉइंट पे ये डिश आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, आप डिश पे ले सकते हैं। इसे हम ग्रीस करेंगे घी या फिर बटर से, जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इसकी बेस पे हम प्लेस करेंगे बटर पेपर। तो बटर पेपर से आपकी सेमोलिना स्वीट स्टेबल हो जाएगी और बाउल से निकालने में भी इजी हो जाएगा। तो बटर पेपर भी बटर से ग्रीस करने के बाद इस पे मैं स्प्रेड कर रही हूँ रोस्टेड नट्स और ये है 1 टीस्पून कोकोनट पाउडर, इस पे हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो अब जो हमने सेमोलिना मिक्सचर रेडी किया है उसे ऐड करते जाएंगे और सेट करते जाएंगे बाउल में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल महनूर्स फूड कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे सेट करने के बाद 1 आवर के लिए इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे। तो 1 आवर हो चुके हैं, मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। तो अब इसे बाउल से निकाल के सर्विंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे, इसे टर्न कर देंगे। एक्चुअली जो इसका अपर पार्ट है वो यही साइड है जो हमने टर्न किया है। अब इस पर प्लेस करेंगे सिल्वर फॉइल पेपर। तो अब इसे स्लाइसिस में कट कर लेंगे। तो इसकी कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार विंटर स्पेशल सूजी बर्फी सेमोलिना स्वीट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अगर आप मेरे चैनल महनूर स्पोर्ट कॉर्नर पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अगर आप भी हैं मेरी तरह फूड लवर तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्विक रेडी हो जाने वाली रेसिपीज़ मिलेंगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।